हेलो दोस्तों, मैं हूं जय गुर्जर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाबी सिंगर इंदर चहल के नए गाने मूव ऑन के बारे में। तो आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम उनके इस आए हुए नए गाने का रिव्यू भी करने वाले हैं और साथ ही उनके इस गाने में जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा मकसद किसी की भी दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप सभी को एंटरटेन करना। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात बुरी लगे तो उसको दिल पर मत लेना और बस इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला सीन आता है जिसके अंदर इंदर पाजी अपने सभी दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी दिखाई देते हैं। मुझे इंदर पाजी के सभी दोस्तों फिर भी ठीक लगते हैं, बट ये क्या है? नहीं यार, आप लोग बताओ कि इसके एक्सप्रेशंस देखकर आपको लगता है कि इस गाने के अंदर इस बंदे को लेना जरूरी था? तारे जमीन पर। इसकी शक्ल और इसकी ओवर एक्टिंग देखकर तो हमारे एक्से पाजी भी बोलेंगे क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। और इस बंदे की ये हरकतें देखकर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरा पूरा ध्यान इस बंदे के ऊपर ही रहने वाला है। और इसके बाद अगले सीन में आती है हमारी एक्ट्रेस, जो कि कार से उतरते ही अपना सारा गुस्सा दिखाने लग जाती हैं और पता नहीं ये यहाँ पर अपना गुस्सा क्यों दिखा रही हैं। बट जब से इनकी एंट्री होती है ये अपना गुस्सा हमेशा ही दिखाई रखती है। जब ये इंद्रपाजी के पास पहुंचती हैं, तो उनके पास पहुंचते ही सबसे पहले वो फेंकती हैं एक छोटा सा टॉय। और जब वो इस छोटे वाले टॉय को इंद्रपाजी के ऊपर फेंकती हैं, तब उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। लेकिन जब कैमरे का एंगल बदलता है तो वही टॉय इंद्रपाजी के हाथ में आ जाता है। ये तो बिल्कुल ही जादू है। और फिर जब इसके बाद इंद्रपाजी की बंदी उनके ऊपर दूसरा टॉय फेंकती है, तब वो दोनों टॉय इंद्रपाजी के हाथ में होते हैं। लेकिन फिर जब इंद्रपाजी के ऊपर वो तीसरा वाला बड़ा टॉय फेंकती हैं, तो पहले वाले वो दोनों टॉय अपने आप ही गायब हो जाते हैं। है ना, एक और फिर से जादू। यार, इस एक सीन के अंदर मैं और भी बहुत सारी मिस्टेक्स निकाल सकता हूँ, बट छोड़ो, अभी के लिए ये मिस्टेक्स काफी हैं। और इसके बाद इंद्रपाजी की बंदी उनके ऊपर बहुत सारे टॉयज फेंक कर चली जाती हैं, बट हमारे इंद्रपाजी के फेस पर जो एक्सप्रेशंस हैं वो तो हमेशा ही एक से ही रहते हैं, बस एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। इसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं कि इंद्रपाजी को उनके दोस्त कहीं उठाकर ले जा रहे होते हैं और तभी वो लड़की आती है इंद्रपाजी के पास और एक लेटर देती है जिसके अंदर लिखा होता है डिनर एट 8 PM। यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि इंद्रपाजी ने उस लड़की की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लड़की डिनर पर इंद्रपाजी का वेट कर रही होती हैं। यार, इंद्रपाजी ने उसको मना कर दिया था, फिर ये लड़की यहाँ पर क्यों वेट कर रही हैं? और अगले ही सीन में इंद्रपाजी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नहीं नहीं यार, आप लोग बताओ कि ये कौन सी दुनिया है? नहीं, हमारी नॉर्मल दुनिया में तो जब कोई किसी को मना कर देता है तब ना तो कोई उसका वेट करता है और ना ही वो मना करने वाला बाद में वहाँ पर टपक जाता है। बट शायद हो सकता है कि ये गाना किसी दूसरी दुनिया में शूट हुआ हो। और चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्रपाजी और उनकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर कुछ देर बैठते हैं और अगले सीन में फिर से टपक जाते हैं इंद्रपाजी के सारे ही सारे दोस्त। इसके बाद उनकी बंदी उनसे नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। और अगला सीन आता है ये, जहाँ पर इंद्रपाजी उनकी गाड़ी के सामने खड़े होते हैं। इसके बाद इंद्रपाजी की GF उनको एक सरप्राइज देने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधती है और उनकी आंखों के ऊपर हाथ देकर उनको कहीं पर ले जाती हैं। यार, यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आंखों पर पट्टी बांध रखी है तो फिर हाथ क्यों दे रखे हैं, और अगर हाथ ही देने थे तो फिर पट्टी क्यों बांधी? इसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं कि इंद्रपाजी की GF उनसे किसी बात पर नाराज होती हैं और वो उनको मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट जब वो नहीं मानती हैं तब इंद्रपाजी उनकी GF को घुमाते हैं अपने दोस्तों की तरफ, जहां पर इंद्रपाजी ने उनके दोस्तों को पहले ही बोल रखा होता है कि जब मैं कहूँ तब तुम इन बोर्ड्स को दिखाना जिनके ऊपर लिखा होता है विल यू मेरी मी। लेकिन जब इंद्रपाजी की GF उस तरफ देखती है तब इंद्रपाजी के जो दोस्त होते हैं वो उन बोर्ड्स को पलट देते हैं जिनके ऊपर फिर लिखा होता है आई वांट ब्रेकअप।
यार इंद्रपाजी के दोस्तों की जो ये हरकत है, इसको देखकर इंद्रपाजी के मन में बस एक ही ख्याल आया होगा, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों। इसके बाद उनकी जीएफ फिर उनसे लड़कर वहां से चली जाती हैं और अगले सीन में इंद्रपाजी खुद ही उस लड़की से अपने आप ही गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद उनकी जीएफ उनको मनाती हैं और शादी के लिए हाँ बोल देती हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर ये गाना खत्म हो जाता है और चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस गाने के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो इस गाने में से अभी भी बहुत सारी गलतियाँ निकाल सकता हूँ, पर हमारा मकसद सिर्फ गलतियाँ निकालना नहीं है बल्कि आप सभी को एंटरटेन करना है। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप आगे भी चाहते हो कि मैं इस टाइप की वीडियो और बनाऊं या फिर नहीं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो इंद्रपाजी का ये गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, तो इसको दिल पर मत लेना। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।